प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधियों की जो हमारे प्रदेश प्रतिनिधियों की मीटिंग थी, उसमें प्रमुख रूप से भारत जोड़ो यात्रा की पूर्ण यात्रा आगे 90 दिन कैसे चलेगी उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और साथ ही साथ हर एक प्रदेश प्रतिनिधि ने संकल्प लिया कि उसकी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही जिन कार्यों के प्रति होगी, राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए उसका वो पूरा करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि सर्वसहमति से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी करें। ये सभी नेताओं ने अपने दिल से और जोर शोर के साथ में एक मत से, ध्वनि मत से भी, अपने हाथ उठाकर भी एक ही प्रस्ताव किया है कि राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के लिए तैयार हों और वही सर्वमान्य नेता के रूप में हम सब उनको देखते हैं। साथ ही जो एक प्रस्ताव सभी प्रदेश प्रतिनिधियों ने पार किया वो है कि प्रदेश के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी का की नियुक्ति का अधिकार माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दिया गया। ये तीन प्रमुख घटनाएं थी। इसके चलते हुए आगे आने वाले 90 दिनों का कार्यक्रम हर एक प्रदेश प्रतिनिधि उसे पूर्ण करेगा, जिसकी समीक्षा समय समय पर होगी। प्रतिनिधि जुटे थे और सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उसका प्रस्ताव पारित किया है। और हम लोगों ने AICC के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके लिए सारी चीज़ें, जो AICC सदस्य की नियुक्ति हो या PCC प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो, उसके लिए उनको अधिकृत किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।